नमस्कार, मैं प्रखर वासने आप सभी का समाचार टाइम 24 के प्रोग्राम खास खबर में स्वागत करता हूं। जम्मू कश्मीर में हिजबुल पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भड़की हिंसा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई है। 7 RCR में यह बैठक शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में कश्मीर के ताजा हालात पर चर्चा हो रही है। इस बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वित्त मंत्री अरुण जेटली, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल समेत तमाम वरिष्ठ मंत्री और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच कश्मीर के बिगड़ते हालात की वजह से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिका दौरा रद्द कर दिया है। राजनाथ 17 जुलाई को अमेरिका में सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठक में शामिल होने वाले थे। बैठक में पीएम को आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने से कश्मीर घाटी में पैदा हुए हालात का ब्यौरा दिया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हिंसा में मरने वालों की संख्या जहां 30 हो गई है, वहीं अब तक 1300 लोग घायल हैं। लगातार 5वें दिन भी राज्य में स्थिति तनावपूर्ण है। पूरे राज्य में सैकड़ों हिंसा की घटना अब तक सामने आ चुकी है। घायलों में 200 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी है। जम्मू कश्मीर में हिजबुल कमांडर और पोस्टर बॉय बुरहान वानी की मौत का रोना रोकर भारत की कार्रवाई को गलत बताने वाले पाकिस्तान को अमेरिका की ओर से करारा झटका लगा है। अमेरिका ने कहा है कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है और सभी पक्षों के वानी के मारे जाने के बाद घाटी में भड़के तनाव का शांतिपूर्ण समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमने कश्मीर में भारतीय बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों की खबरें देखी हैं और हम हिंसा से चिंतित हैं। हम सभी पक्षों को शांतिपूर्ण समाधान ढूंढने की दिशा में काम करने को प्रोत्साहित करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका में इस मुद्दे पर भारत से बात नहीं की है क्योंकि यह भारत का आंतरिक मामला है। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने एक बयान में जारी किया था कि इसमें कहा गया है कि वे कश्मीर में बुरहान वानी के मारे जाने से सदमे में हैं। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि वे कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाएंगे। ऐसे में अमेरिका के बयान से पाकिस्तान फिर अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। पंजाब के अजनाला सेक्टर में बीएसएफ ने 3 पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया है। तीनों मंगलवार सुबह अजनाला सेक्टर के शाहपुर पोस्ट से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ आईजी अनिल पालीवाल ने तीनों घुसपैठियों के मारे जाने की पुष्टि की है। इससे पहले सोमवार को भी जम्मू के कठुआ में हीरानगर एरिया के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने 4 से 5 लश्कर आतंकियों को भारतीय सीमा में घुसने से रोका था। ये आतंकी भारी संख्या में हथियारों के साथ भारत घुसना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक हर आतंकी के पास 30 से 40 किलोग्राम का बैग है, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी की वजह से इन्हें वापस लौटना पड़ा। बीएसएफ के डीजी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की ओर से आतंकी लगातार सीमा भेदने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने यह अलर्ट जारी किया था कि बीएसएफ के डीजी ने इसकी पुष्टि भी की थी। खुफिया सूत्र बताते हैं कि सीमा पर पाकिस्तानी एरिए में लॉन्चिंग पैड पर आतंकी मौजूद है। ये आतंकी भारतीय हैंडलर्स की मदद से भारत में घुसने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट की माने तो जो इंटरसेप्ट पर कॉल आ रहे हैं वह भारत के लिए चिंताजनक है। कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद पैदा हुए तनाव पर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा है कि कश्मीर की वर्तमान स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए धोखादायक है। सामना में लिखा गया है कि मौजूदा हालत देखकर लग रहा है कि कश्मीर का सवाल पहले की तुलना में और ज्यादा उलझ गया है। महबूबा मुफ्ती ऊपर ऊपर से शांति का आह्वान कर रही हैं, फिर भी बुरहान वानी के बारे में उनकी निश्चित भूमिका क्या है यह जानना जरूरी है। शिवसेना ने बीजेपी पर भी वार किया और कहा कि कहीं बीजेपी ने महबूबा के हाथ कश्मीर घाटी की कमान देकर गलती तो नहीं कर दी। ऐसा डर लगता है। सामना में लिखा गया है कि इससे पहले अफजल गुरु को कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी मानने की वकालत भी महबूब की थी। उनके इस इतिहास को देखते हुए यह डर बना हुआ है। वाराणसी में गंगा नदी अपने उफान पर है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से मंदिर जलमग्न हो गया है। सभी घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है जिससे लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा में पानी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि शबदाह के घाट मणिकर्णिका पर भी पानी सीढ़ियों के ऊपर तक चढ़ चुका है, जिससे लोगों को शबदाह अब ऊपर की सीढ़ियों पर करना पड़ रहा है। वहीं इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में संगम तट पर रहने वाले पंडों के ठिकाने तक पानी में डूब गए हैं। यही हाल मिर्जापुर में भी है। यहाँ पिछले 2 दिनों में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसमें गंगा के किनारे लगे बाढ़ के संकेत देने वाले
मीटर भी डूब गए हैं। मिर्जापुर में गंगा नदी में पिछले 24 घंटे में 4 फीट से अधिक पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे वहां पर आसपास के रहने वाले लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। अभी समय हो चला एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने दिल्ली की किन किन योजनाओं का किया ऐलान।